हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश एडुविजन एकेडमी पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे क्लास टेंथ साइंस चैप्टर टू, जो है आपका एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। बच्चों, आज की क्लास से हम कुछ ऐसे कॉमन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं और जो आपके क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने कुछ सॉल्ट जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं उनके कॉमन नेम, उनके केमिकल नेम एंड उनके केमिकल फॉर्मूले आपको एक टेबल में लिखा दिए हैं। पहला आपका सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड एंड उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है बच्चों, इनकी प्रिपरेशन अभी एंड यूज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सेकेंड सॉल्ट जो आपको पढ़ना है वो होता है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का बच्चों जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है बच्चों, तीसरा होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो है आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है बच्चों, CaOCl2। जो आप बच्चों आपका चौथा कॉमन सॉल्ट पढ़ना है वो है आपका सॉरी बच्चों जो आपको चौथा सॉल्ट पढ़ना है उसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। जो पांचवा सॉल्ट हमको पढ़ना है उसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 × 10H2O। एंड लास्ट जो हमको सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्ट पढ़ना है वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP के नाम से भी जाना जाता है, जिसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला होगा CaSO4 × 1/2H2O। ठीक है बच्चों, चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है NaOH एंड जिसका बच्चों कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। तो बच्चों बात करते हैं पहले कास्टिक सोडा के प्रिपरेशन की, कैसे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, एंड कहाँ ये यूजफुल है, किस प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट जिस प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जाता है उस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। बच्चों इस प्रोसेस का नाम बेसिकली इसके प्रोडक्ट के बेसिस पे पड़ा, क्योंकि इसमें जो आपके प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें क्लोरीन गैस, एल्कली मतलब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride ठीक है बच्चों, और सोडियम क्लोराइड का आपका हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाला जाता है जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कॉल्ड ब्राइन। इट डिकम्पोज, बच्चों जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो आपका क्या होता है डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है टू फॉर्म सोडियम
हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों, और इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम NaCl का एक सॉल्यूशन लेते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से आपका सोडियम क्लोराइड एंड वाटर क्या होता है, डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद वो आपको एज अ मेन प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है बच्चों। और किसके थ्रू किया जाता है, ये किया जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, यानी बेसिकली आपके एक इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दिस प्रोसेस इज टेकन प्लेस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। चलिए इसमें आपका कैसे आपका ये रिएक्शन होती है, बेसिक इसकी रिएक्शन क्या है, एंड कैसे इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, डायग्राम से समझते हैं। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो बच्चों बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे आपका NaCl, बच्चों ये आपका एक्वस फॉर्म में होगा, मतलब आप NaCl का सॉल्यूशन लोगे, आप लोगे वाटर H2O जो आपका लिक्विड स्टेट में होगा। बच्चों जब आप इससे करंट पास करोगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चों आपका डिकम्पोज होने के बाद बनेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस आपका एक क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, एक आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है बच्चों। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो टू क्लोरीन, टू NA, टू, ठीक है बच्चों। यह है आपकी क्लोर एल्कली प्रोसेस की केमिकल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। चलिए इसके प्रोसेस की बात करते हैं, कैसे आपका प्रोसेस होता है। इसके लिए हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस का जो बेसिक सिस्टम होता है, जो डायग्राम होता है, उसको समझने की ज़रूरत है। देखिए बच्चों क्लोर एल्कली प्रोसेस, हम इसकी प्रिपरेशन, उसके सिस्टम को समझते हैं। बेसिकली बच्चों आपका एक कंटेनर है, बच्चों जैसे ऑस्मोसिस होता है और डिफ्यूजन होता है, तो उसमें एक सेमी परमेबल SPM लगाई जाती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो सिलेक्टिव पार्टिकल को ही आपका आगे जाने देती है। तो बच्चों यहाँ पे एक हमने मेम्ब्रेन लगाई है, जिसको बोला जाता है कैटायन परमेबल मेम्ब्रेन, ये आपके सिलेक्टिव कैटायन को ही पास होने देती है। ठीक है बच्चों, यहां पर आपका एक इलेक्ट्रोड होगा,
जो बच्चों होगा आपका नेगेटिव चार्ज कैथोड, बच्चों यहां पर आपके एक इलेक्ट्रोड होगी जो होगी आपकी पॉजिटिव चार्ज एनोड, ठीक है बच्चों। इसके अंदर आपका वाटर फिल होगा एंड इसी के अंदर बच्चों आपका NaCl डालकर इसको ब्राइन सॉल्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका H2O, बच्चों ये आपकी एक ओपनिंग है, यहां से आप डालोगे सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। यही होगा आपका ब्राइन सॉल्यूशन। और बच्चों एक इधर ओपनिंग है जिधर से आप यहां पे H2O लिक्विड फॉर्म में पास करते रहोगे, ठीक है बच्चों। एरो पे ध्यान देना, आपके एरो किस तरफ हैं। एक बच्चों ये ओपनिंग है, ये आपका बाय प्रोडक्ट आउटसाइड गेन करने के लिए होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपका जो NaCl सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको मिलेगा डाइल्यूट, यानी जिसकी कंसेंट्रेशन बहुत कम होगी, और यहाँ पे आपको मिलता है NaOH जो आपका मेन प्रोडक्ट है, ठीक है बच्चों। अब एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है देखिए बच्चों, जब आप यहाँ से NaCl को पास करोगे तो इस जगह आपका जो होगा वो वाटर में NaCl होगा और वो आपका ब्राइन सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो NaCl बच्चों आपका ब्रेक डाउन होता है, NaCl इज ब्रेक डाउन इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, बच्चों ये आपका एनोड साइड हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर बच्चों आपका क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। और इसी तरह आपका Cl नेगेटिव के साथ मिलकर आपका Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है बच्चों। और आपको एनोड टर्मिनल से जो गैस मिलती है वो होती है आपकी Cl2, ठीक है बच्चों। अब इधर से जो हम वाटर पास करते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें आपका वाटर जो दो इलेक्ट्रॉन आपके एनोड साइड से वो आपके पास होंगे और आपको वाटर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। तो बच्चों वाटर ब्रेक डाउन होकर आपका देगा H2 गैस प्लस 2OH नेगेटिव, बच्चों ये बेसिकली कैसे होगा, H2O आपका ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, और यहाँ पर आपका 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर आपका बनाएंगे H2 गैस। और बच्चों ये H2 गैस आपकी कौन से टर्मिनल से गेन होगी, ये आपकी गेन होगी कैथोड से, ठीक है बच्चों। और आपका जो बच्चों ये बाय प्रोडक्ट था OH नेगेटिव जो आपको यहाँ मिलेगा, ये OH नेगेटिव बच्चों आपका जाके अटैच होगा किसके साथ, NaCl के साथ। और बच्चों ये NaCl और NaOH मिलके आपका बनाएंगे सॉरी, और बच्चों ये आपका Na एंड OH नेगेटिव मिलकर बनाएंगे आपका NaOH, ठीक है बच्चों। ये होता है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसका डायग्राम बच्चों मैं आगे इसी लेक्चर में पोस्ट कर दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए बच्चों दोबारा समझते हैं, सबसे पहले आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आपका एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसको हम बोलते हैं एनोड, एंड आपके पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसको बोलते हैं हम कैथोड, एंड बीच में आपकी एक मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं कैटायन परमेबल मेम्ब्रेन, जो सिलेक्टिव कैटायन को पास होने देती है। मतलब बच्चों यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका Na पॉजिटिव पास होगा, ठीक है बच्चों, नेगेटिव को पास नहीं होने देगी, ठीक है बच्चों।
सैचुरेटेड NaCl को हम नीचे से डालना शुरू करेंगे। जब ये वाटर से मिलेगा तो आपका पहले NaCl इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये Cl नेगेटिव अपने ही Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा एंड क्लोरीन गैस को आपका एनोड टर्मिनल से निकाल देगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो आपके Na पॉजिटिव के इधर चार्ज पार्टिकल बचेंगे वो आपके कैटायन परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होकर कैथोड की साइड चले जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, आप वाटर दोगे, वाटर आपका H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा, दोनों H पॉजिटिव मिलकर आपके बच्चों H2 गैस बनाएंगे, और आपका इधर Na एंड जो आपका OH होगा ये दोनों मिलकर बच्चों आपका NaOH बनाएंगे, और ये था आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। बच्चों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से टर्मिनल पर कौन सी गैस आपको गेन होती है, तो बच्चों इसको आप ध्यान रखेंगे, आपका जो एनोड टर्मिनल होता है उस पर आपको क्लोरीन गैस, और जो बच्चों आपका कैथोड टर्मिनल होता है उस पर बच्चे आपको H2 गैस गेन होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं कि जो आपके इनमें बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है, इनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज है। तो बच्चों पहले बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की, आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपको तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बच्चों आपका मेन प्रोडक्ट होता है। सेकंड होता है आपका क्लोरीन गैस, बच्चों आपका बाय प्रोडक्ट होता है। एंड थर्ड होता है बच्चों आपका हाइड्रोजन गैस। तो इनके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज की बात करते हैं। तो बच्चों ये आपका सोप एंड डिटर्जेंट की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, सोप एंड डिटर्जेंट की प्रिपरेशन के लिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है बच्चों, जो आपकी पेपर इंडस्ट्री होती है बच्चों, उसमें भी इसका बहुत यूज किया जाता है पेपर मेकिंग में। और बच्चों जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं उनके यूज करने में भी, आपको उनके बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत बहुत यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है बच्चों, बात करते हैं बच्चों अपने सेकेंड बाय प्रोडक्ट की, यूजेज ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है बच्चों, तो क्लोरीन गैस का यूज कहाँ किया जाता है,
बच्चों आपको पता है वाटर में हम क्लोरीन की गोली डालते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, तो बच्चों वाटर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। सेकंड बच्चों जो हो जाएगा आपका क्लोरीन का, आपका बच्चों जैसे जो वायर होते हैं इलेक्ट्रिक वायर, उन वायर के ऊपर कोटिंग की जाती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की, तो बच्चों जहाँ क्लोराइड आ गया वहाँ पे आपका क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो आपके गैस होती है CFC, जिसका अब आपने यूज़ बैन कर दिया है AC के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है बच्चों, तो PVC बनाने में, CFC गैस बनाने में और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC, बच्चों PVC आपको पता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, या आपकी एक कोटिंग होती है इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जिसकी वजह से आपको इंसुलेट करती है वायर से और आपको करंट लगने से बचाती है। PVC एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है बच्चों, और बहुत सी जगह बच्चों डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, सफाई के लिए भी क्लोरीन गैस को यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये थे आपके क्लोरीन गैस के यूज। चलिए बच्चों आपका हाइड्रोजन के यूजेस भी पढ़ लेते हैं। बच्चों हाइड्रोजन का यूज़ तो आपको पता है फ्यूल इंडस्ट्री में इसको बहुत यूज किया जाता है, आपका स्पेस जेट जो होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे जो आपके स्पाई जेट होते हैं उनमें एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, एंड बहुत सी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है अमोनिया प्रिपरेशन के लिए। तो बच्चों फर्स्ट हो जाएगा इट इज़ यूज एज फ्यूल्स, एंड सेकेंड बच्चों ये यूज किया जाएगा अमोनिया इंडस्ट्री में एज ए फर्टिलाइजर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। ठीक है बच्चों, ये थे आपके क्लोर अल्कली प्रोसेस के कुछ प्रोडक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड उनके यूजेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ किया जाता है, क्लोरीन गैस का यूज़ कहाँ किया जाता है एंड हाइड्रोजन गैस का यूज़ कहाँ किया जाता है। थैंक यू।